हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिएगा गाइस, जो है अब त्यौहार आने वाले हैं, करवा चौथ भी आ रही है और सारे त्यौहार आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं स्किन आपकी ग्लोइंग हो जाए, आपकी फेयर दिखाई दे, तो एक काम ज़रूर से कर लीजिए। अगर आप वीक में एक बार भी कर लेंगे तो खुद देखेंगे एंटी एजिंग की प्रॉब्लम तो दूर होगी, साथ ही आपकी कलर भी फेयर होगा, स्किन का टाइट बनेगी, ब्राइटर बनेगी। तो चलिए वीडियो रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, एक खाली बॉइल ले लेना है और देखिएगा ये आप केला देख रहे हैं, इस तरीके से हमें एक लेना है बनाना। देखिएगा बनाना एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर कर देता है, केला पूरी तरीके से आपके स्किन को टाइट करता है, झाइयों झुर्रियों की प्रॉब्लम को दूर करता है। बनाने से अच्छा फेशियल नहीं हो सकता। आप चाहते हैं स्किन आपकी ब्राइटर हो जाए, गोरी हो जाए, तो ये जो है आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो ज़रूर से आप एक बार ट्राई का बनाना। आपको कच्चा नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से, और आपको लेना है सिर्फ हाफ टुकड़ा ही इसका बनाना का, ये छिलका। इसी से ही हम आज रेमेडी तैयार करेंगे। देखिएगा इसके नीचे जो है होता है, इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B12 होता है और मिनरल पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है। फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है और ये स्किन को आपकी निखारता है, जवां रखता है, खूबसूरत रखता है और आपकी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लूँगी। देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यही इसके अंदर होता है। ये देखिएगा ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन को चमकदार बनाने के लिए। तो ये लूँगी मैं। पहले क्या करूँगी, मैं पहले केले को अच्छे से मैश कर लूँगी। एक जो है ये बनकर रेडी हो गया। अब हमें इसमें डालना है शहद यानी कि हनी। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसे मैश कर लेना। और चलिएगा अब हम इसे फेस पे लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं वो भी देख लीजिए। हमारा कुछ रेडी हो चुका है, अब आप किस तरीके से लगाना है बता देती हूँ। इस तरीके से आपको इस तरीके से डिप कर लेना है और डिप कर इस तरीके से आपको इसी से फेशियल करना है। आपकी जो है क्लीनिंग भी इसी से हो जाएगी अच्छे से और आपकी स्किन में 100% ये चमक देता है, इतना ज़्यादा ग्लो आ जाएगा आप खुद देखेंगे। अंडर आई एरिया में आपको ज़्यादा रब नहीं करना है लेकिन लगाना ज़रूर है, आप खुद देखेंगे अंडर आई एरिया भी आपका जो है सही होना लगेगा एक से दो बार के इस्तेमाल से। इससे ज़्यादा अच्छा फेशियल आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना ज़्यादा ग्लोइंग कर देता। केला हमारी स्किन को ब्राइटर करता है, साथ ही एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर कर देता। तब आपने इसे कर लिया तो गजब का निखार आपके चेहरे पर आने वाला है। सेकेंड स्टेप यहाँ से लेना है, थर्ड स्टेप यहाँ से लेना है। तो चलिएगा देखिएगा ध्यान से। देखिएगा इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप में एक से दो बार ये देखिएगा इस तरीके से करना है, सेकंड स्टेप में इस तरीके से करना है, थर्ड में इस तरीके से करना है, ये देखिएगा इस तरीके से मसाज कर लेना है। मसाज करके आपको इसे छोड़ देना है एज अ पैक की तरह। तो रिजल्ट मैं सूखने के बाद ही शेयर करती हूँ। नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो चलेगा दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कैसा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कितना ज़्यादा जो है एकदम फर्क पड़ा है और कितना ज़्यादा स्किन वेयर भी हो गया, ब्राइटर हो गया। आई होप आपको वीडियो रेमेडी अच्छे लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।